हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बात करेंगे श्री ग्लोबल ट्रेडफिन लिमिटेड शेयर के बारे में। क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है, शानदार रिजल्ट है। आज देखिए 11% का रिटर्न दिया है इसने, 5.80 करंट प्राइस चल रहा है अभी। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट आते ही इसमें लग गया 10 से 11% का पॉजिटिव रिटर्न। आप समझ चुके होंगे कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, इसीलिए इसने बिल्कुल नेक्स्ट डे से ही एक बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो आपको रिजल्ट क्लियरली समझाऊंगी ताकि आप समझ सकें और कंपेयर भी करेंगे फ्रेंड्स रिजल्ट को। 52 वीक हाई है 10 रुपीज़, लो है 2 रुपीज़ के आसपास। बहुत जल्दी ब्रेक करेगा अपना 52 वीक हाई। 20% का सर्किट है, तो 20% का सर्किट भी इसमें लग सकता है। अभी 11% के आसपास चल रहा है। टर्नओवर 4.42 करोड़, मार्केट कैप 730 करोड़ का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैंने आपको जिस प्राइस पे बाय करने का सजेस्ट किया था, अगर आपने लिया होगा बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। बाइंग का प्रेशर 9,45,000, सेलिंग का 14,70,000। तो फ्रेंड्स आ गए हैं सीधा रिजल्ट पे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं एंड रिजल्ट जानते हैं कि कितना प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू आया है और कितने खर्चे किए हैं कंपनी ने। सो इन शॉर्ट बता दूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा है। लॉस मेकिंग कंपनी थी लास्ट क्वार्टर में और सीधा प्रॉफिट मेकिंग हो गई है, वो भी एक आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट के साथ। दिस इज द डॉक्यूमेंट, श्री ग्लोबल ट्रेडफिन लिमिटेड। स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको दोनों रिजल्ट बताऊंगी, स्टैंड अलोन भी एंड कंसोलिडेटेड भी, दोनों ही बहुत अच्छे आए हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब वो लिखा है कि मीटिंग हो चुकी है, अब नीचे आ जाते हैं हम जहाँ पे है रिजल्ट। लैक्स में आइए रिजल्ट। अब टोटल इनकम देखिए, सेप्टेम्बर क्वार्टर में आइए 895 लाख, जो जून में थी 124 लाख, बहुत अच्छी बढ़ी है। अब आते हैं सीधे एक्सपेंसेस पे, कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं। तो फ्रेंड्स 86 लाख के आसपास सितंबर में एक्सपेंसेस किए हैं और जून में किए थे 621 लाख। तो सबसे ज़्यादा तो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम किया है और लास्ट ईयर सितंबर में किए थे 35 लाख। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं मेन चीज़ कि प्रॉफिट कितना आया कंपनी का, 809 लाख का, 809 लाख का प्रॉफिट आया है सितंबर क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 496 लाख का लॉस था, तो लॉस से एकदम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है और लास्ट ईयर सितंबर में भी 35 लाख का लॉस था, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। तभी तो आज 11% का एक रिटर्न दे दिया पॉजिटिव, बल्कि आज मार्केट फ्लैट है। तो आप समझिए 809 लाख का प्रॉफिट दिया है, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है 809 लाख। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स कंसोलिडेटेड भी बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड ये कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेटेड में इनकम देखिए 4,059 लाख हो गई, जो पिछली बार थी 5,000 something लाख। एक्सपेंसेस बहुत कम किए हैं यहाँ पे भी दोबारा, तो प्रॉफिट जो आया है वो है 1,525 लाख का, जो पिछली बार था 486 लाख का। तो कंसोलिडेटेड में भी एक शानदार परफॉर्मेंस दी है और लास्ट ईयर सितंबर में तो सिर्फ 161 लाख था। तो देखिए आप 1,525 लाख का कंसोलिडेटेड में भी प्रॉफिट दिया है शानदार, और स्टैंड अलोन में 809 लाख का प्रॉफिट दिया है। तो सीधा लॉस मेकिंग से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बाय करने का सजेशन दिया था, बाय किया होगा तो एक बहुत अच्छा रिटर्न बना लेंगे शेयर में। अभी 5.80 करेंट प्राइस चल रहा है। नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चल सकते हैं फ्रेंड्स, 6 रुपीज़ तो लेके चलिए, ये 7 रुपीज़ को भी ब्रेक कर देगा। तो शॉर्ट टर्म आप 7 रुपीज़ का इसमें लेके चल सकते हैं टारगेट आराम से। 7 रुपीज़ कहीं नहीं गया फ्रेंड्स, 7 रुपीज़ तो ब्रेक करेगा ही करेगा।